नादरीन मियां नाइट क्रिकेट क्लब कैनाल रोड जड़ां वाला पहला मैच शुरू हो चुका है। पीछे की तरफ बाल जाने की वजह से कोई स्कोर नहीं है। रूल्स और रेगुलेशन में ये बात तय है कि पीछे जाने वाली बाल जो है वो फ्री होगी और ये अंपायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा जी। और बाल बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए दूसरा ओवर शुरू जी। बुरी तरह बीट हुए और ये वाइट बॉल। और बहुत अच्छा बॉल सीधा विकेट में आते हुए और बेहतरीन बॉल। बैट्समैन ने बड़ी मुश्किल से बॉल को टच किया। और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए फील्डर ने बॉल को रोका और बॉल वाइट होते होते बची। यूं बैट्समैन काफी बाहर निकले थे लेकिन बॉल बैट्समैन के बैक साइड से वाइट होते हुए बाहर। पहले की तरह सेम वाइट बॉल बैक साइड पे गुजरी और बैट्समैन ने फायदा उठाते हुए अपने आप को थोड़ा सा आगे की तरफ किया और बॉल आसानी से बैक साइड से गुजरी और बेहतरीन बॉल। बैट्समैन बुरी तरह बीट हुए। नाज़रीन दो ओवर हो चुके हैं जी, 8 स्कोर नाज़रीन दो ओवर में हो चुका है। तीसरा ओवर शुरू हो रहा है और पहला बॉल बीट हुआ। नाज़रीन अभी तक एक चौका लगा है और बाकी सारे का सारा स्कोर जो है वो वाइट का है। और तीसरे ओवर का पहला वाइट। बेहतरीन बॉल, बैट्समैन जज नहीं कर पाए बॉल को, बीट हुए और बेहतरीन बॉल खेल दिया सामने। फील्डर मौजूद और बॉल फील्डर के हाथ में और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए लेकिन 4 स्कोर नहीं हो सका। बैट्समैन 2 स्कोर लेने में कामयाब। और ये बेहतरीन बॉल नाज़रीन पहले की तरह बॉल वाइट। और मैं आपको बताता चलूं कि एम्पायर का फैसला हतमी और फाइनल होगा। एम्पायर का फैसला जो है वो फाइनल और हतमी होगा जी। तीसरा ओवर जारी है। और ये 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। स्ट्रेट पे खेला था, बेहतरीन हिट किया है बैट्समैन ने और ये 4 रन हासिल किए। और फिर दूसरा चौका, मुसलसल 2 बॉल पर 2 चौके लगाने वाला बैट्समैन बेहतरीन बैटिंग करते हुए। इंतहाई छोटी बाउंड्री है और बेहतरीन बॉल बैट्समैन ने उसको हल्के से टच करते हुए रोका। और बेहतरीन बॉल, बल्कि हल्की सी स्पीड के साथ उसने बॉल किया और बैट्समैन जज नहीं कर पाए। बाउंड्री लाइन से बाहर निकालना चाह रहे हैं बॉल को और बॉल अंपायर शायद देख नहीं रहे थे, वाइट बॉल थी लेकिन वाइट नहीं दी गई।
और ये बॉल खेलती है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग की वजह से चौका नहीं हो सका जी। बेहतरीन गेंद और इस तरह रन आउट हुए बैट्समैन, स्कोर लेने के चक्कर में थे, बॉल फील्डर के हाथ में थी, बेहतरीन फील्डिंग का नतीजा, पहले विकेट गिर चुकी है और रन आउट हुए हैं प्लेयर। बड़े खूबसूरत अंदाज में स्कोर लेने के लिए अभी निकले ही थे कि आउट हो गए। चौथा ओवर जी, एक विकेट गिर चुकी है और ये बॉल वाइट करार दे दी गई है। बेहतरीन बैटिंग करते हुए बॉल को उन्होंने रोका और बॉल फील्डर के हाथ में, और ये खूबसूरत चौका बिल्कुल करीब ऑफ साइड पे हल्का सा टच करते हुए बाल को बाहर निकाला और बाल बाउंड्री लाइन को टच की, यूं चार रन हासिल करने में बैट्समैन कामयाब हुए। 28 स्कोर, चार ओवर मुकम्मल, पांचवा ओवर शुरू और ये पहला बाल बीट हुआ और ये दूसरा बाल भी, और फिर हल्का सा टच करते हुए बॉल को रोका। बेहतरीन हिट की, लेकिन फील्डर ने अपने आप को बैठते हुए घुटने के बल पे बॉल को रोका जी, और ये बॉल वाइट। यार विकेट तो आ रही है, और ये बेहतरीन फील्डिंग, बॉल फील्ड करते हुए इंतहाई फुर्तीले अंदाज में फील्डिंग की और ये बॉल चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। यूं पांच ओवर मुकम्मल हुए, पांच ओवर मुकम्मल हो चुके हैं नाज़रीन, छठा ओवर शुरू होने जा रहा है और ये हिट कर दिया है स्ट्रेट की तरफ, लेकिन फील्डिंग बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए बॉल को रोका गया और दूसरी बॉल और बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के करीब खड़े हुए फील्डर ने बॉल को रोका और सिर्फ एक स्कोर लेने में बैट्समैन कामयाब हो सका। और पहले की तरह बाल को हल्के से हिट करने की कोशिश की और बॉल बॉलर के हाथ में, समझ नहीं पाए, जज नहीं कर पाए बाल को और बीट हुए। और बेहतरीन बॉल, और फिर इस तरह बॉल को रोका और इस तरह पांचवा ओवर मुकम्मल हुआ। और बड़ी मुश्किल से बच्चे बॉल मूव करते हुए विकेट की तरफ, बॉल स्विंग हुई और बाहर से अंदर की जानब आई थी, लेकिन और ये बॉल अंपायर की तरफ से नो का इशारा और बेहतरीन हिट, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का मजारा और बेहतरीन हिट की वजह से बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, जिसकी वजह से चार स्कोर और बोल्ड हो गया जी।
बाल समझ ही नहीं पाए, चौका लगाने की कोशिश में थे लेकिन बाल सीधी विकेट में। यूं दूसरी विकेट गिर चुकी है जी छठे ओवर में। मियां क्रिकेट क्लब के बेहतरीन और मायानाज प्लेयर तला पिच पे मौजूद हैं और ये पहला ही बाल वाइट। और ये दूसरा बाल और बेहतरीन हिट की और बाल बाउंड्री लाइन के करीब जाकर फील्डर ने फील्ड की और बाल फील्डर के हाथ। और बेहतरीन बैटिंग करते हुए तला ने 4 रन के लिए बाल बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया जी। नाज़रीन 8वां ओवर शुरू हो रहा है और ये पहला बाल और बेहतरीन फील्डिंग, इंतहाई छोटी बाउंड्री होने के बावजूद बेहतरीन फील्डिंग करते हुए फील्डर ने बाल को रोका जी। और ये बाल वाइट। और हल्का सा टच किया और बाल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्ड की गई जी, कोई स्कोर नहीं बन पाया। और ये बाल काफी बाहर आते हुए और बैट्समैन ने बाल को पीछे से जाने दिया, बाल वाइट हुई। 8वां ओवर जारी है नाज़रीन और बेहतरीन बैटिंग का मजारा करते हुए हिट किया बाल को और बाल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। वाइट क्रिकेट क्लब कैनाल रोड फारान स्कूल सिस्टम के बिल्कुल बैक साइड पे इब्राहिम और दाऊद शादी हॉल के बिल्कुल करीब जड़ावाला में। और ये बैट्समैन आउट, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर बाल उठते हुए बॉडी लाइन क्रॉस करे हवा में तो वो आउट तसव्वुर होगा। मजीद साहब, इस क्लब के अंदर कितने मैच रोजाना होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद भाई, यहाँ तो रोज़ाना 3-4 और कई बार 5 मैच भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है लड़के जब बाहर से आते हैं तो फिर ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, इसलिए कि ये बड़ा अच्छा हमने माहौल प्रोवाइड हमने किया है नौजवानों के लिए, ताकि वो रात के वक्त अपना जो टाइम है तरावी के बाद वही अच्छी तरह गुजार सकते हैं। क्या जड़ावाला के बाहर से भी टीमें आती हैं? जी हाँ बिल्कुल, जड़ावाला बाहर से दोस्त तशरीफ लाते हैं, वो भी खेलते हैं। जैसे कल गुज़श्ता रात भी एक टीम आई सी अवागत से, वो भी 2 बजे तक खेल के यहाँ गए हैं। अच्छा अच्छा, मजीद कोई टूर्नामेंट का प्रोग्राम है? ईशा कोशिश करें कि हम इससे माह रमज़ान में एक अच्छा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकें ताकि नौजवानों को बेहतरीन तफरी का सामान मुहैया किया जाए। बहुत सारी टीमें बाहर से आती हैं और यहाँ अपना मैच करती हैं और टूर्नामेंट का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। उम्मीद है कि इससे पहले यहाँ पे नाइट टूर्नामेंट भी होगा। और ये तला बोल्ड हो गए, बिल्कुल जज नहीं किया उन्होंने बाल को, बड़ा इजी ले रहे थे लेकिन बाल पीछे से आई और स्विंग हुई, मूव होते हुए सीधी विकेट में, समझ ही नहीं पाए वो बाल को। वो समझ रहे थे कि शायद पीछे से ये वाइट होगी लेकिन नेक्स्ट बाल वाइट। बेहतरीन एंटरटेनमेंट और बेहतरीन बैटिंग करते हुए छोटे प्लेयर उस्मान ने बाल को ऑफ पे खेला और ये अगली बाल और बाल बैक साइड पे, और बैक साइड पे कोई स्कोर नहीं है।
और बेहतरीन हिट किया है बाल को, लेकिन फील्डर भी मौजूद, फुर्ती से फील्डर ने बाल को फील्ड किया और बाल सीधी उनकी टांग पे लगी, कोई स्कोर नहीं बन पाया। नाजरीन बाहर जाते हुए बाल को खेल दिया, बाल बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद। 64 स्कोर हो चुका है जी, लास्ट ओवर शुरू होने जा रहा है जी, लास्ट ओवर 64 स्कोर अब तक हो चुका है, 10वां ओवर शुरू हो रहा है और ये 10वें ओवर की पहली बाल जिसे डेड करार दिया गया है, बाल डेड करार दी गई। दूसरी बाल वाइट बैट्समैन के बैक साइड से गुजरते हुए और ये पहली बाल जो बैट्समैन की टांग से टकराई और कोई स्कोर नहीं बन पाया। और ये दूसरी बाल हिट किया था इनसाइड की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद। 10वें ओवर के 2 बाल हो चुके हैं जी और खेल दिया, हल्के से टच किया और करीब ही बॉडी लाइन की तरफ और इस तरह बैट्समैन आउट करार पाया, क्योंकि हवा में जाते हुए उठते हुए बाल जो है वो बाउंड्री लाइन को टच किया तो बैट्समैन जो है वो आउट करार पाया। और ये बैट्समैन अभी सीधे ही नहीं हो पा रहे थे कि बॉलर की तरफ से बाल थ्रो कर दी गई और बैट्समैन बहुत बड़ा है इसलिए बॉलर जो है वो घबरा गए हैं, वाइट बॉल करवा रहे हैं जी। एकरमा है जी बैट्समैन, एकरमा वकार, और ये बाल टच करने में अभी तक नाकाम और ये टांगों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश की, बल्ला पूरा घुमा दिया लेकिन बल्ला फिर भी बाल को टच नहीं हो सका जी, सिर्फ बैट पकड़ने का शौक। और ये बाल को खेल दिया बैक साइड की तरफ लेकिन कोई स्कोर नहीं है और यू 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं नाजरीन, 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं जी, 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 68 का टारगेट है नाजरीन। दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है, अभी देखते हैं कि दूसरी टीम जो है वो इसको चेज कर पाती है कि नहीं। तो 10 ओवर का खेल, पहली इनिंग में 68 का टारगेट दिया गया जी। जी नाजरीन फील्डिंग सेट की जा रही है, इंतहाई शार्ट बाउंड्री, फील्डर बिल्कुल बैट्समैन के करीब करीब और बैट्समैन को बड़ा मोहतात अंदाज में खेलना पड़ता है। और यूं फर्स्ट बॉल, दूसरी इनिंग की पहली बॉल बैट्समैन नहीं जज कर पाया जिसकी वजह से, और ये दूसरा बॉल और स्टेट की तरफ खेल दिया गया, बाउंड्री लाइन के करीब फील्डिंग करते हुए फील्डर ने बाल को रोका और ये वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। बॉल बहुत स्विंग हुई, बैट्समैन काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये पहले की तरह बाल फिर इन स्विंग करते हुए बैट्समैन समझ नहीं पाया, बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की लेकिन बाल उसके ग्रिप को टच करते हुए ऊपर उठी और फील्डर ने बासानी उसे कैच कर लिया, यूं पहली विकेट जो है वो गिर चुकी है। और दूसरा बोल्ड कर दिया है तला ने जी, पहले ओवर में 2 विकेट्स गिर चुकी है जी, 68 टारगेट है, पहला ओवर जारी है, 2 विकेट्स गिर चुकी हैं, 2 विकेट के नुकसान पर अभी कोई स्कोर नहीं है। बेहतरीन हिट ऊपर और बाल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, पहला ओवर मुकम्मल, 2 विकेट के नुकसान पर 5 स्कोर। तला का ये ओवर
काफ़ी बेहतरीन रहा, दो विकेट्स लेने में तला कामयाब रहे, सिर्फ 5 स्कोर दिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है जी, और ये दूसरे ओवर का पहला बॉल वाइट, जो हल्के से टच किया बैट्समैन ने और बाउंड्री इंतहाई क्लोज होने की वजह से बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये उठती हुई बॉल आ रही थी और स्ट्रेट की तरफ खेला बैट्समैन ने, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग जी। और दोबारा फिर 4 रन के लिए खेल दिया है, लेकिन बॉल फील्ड बाउंड्री लाइन को टच करने की वजह से 4 रन जी। और ये बॉल समझ नहीं पाया बैट्समैन, 4 रन खेलने के लिए हिट लगाने के मूड में थे, लेकिन बॉल समझ ही नहीं पाए, बीट हुए। साथ साथ हंसी मजाक भी जारी है। और ये डेड बॉल करार दे दी गई है जी, अंपायर की तरफ से डेड बॉल का इशारा जी। और ये बॉल बेहतरीन बॉलिंग करते हुए बॉलर ने बीट किया। हर बॉल बदल कर दे रहा है बॉलर और बैट्समैन समझ ही नहीं पाता बॉल को, और ये बैट्समैन ने छोड़ दिया उसको विकेट कीपर की तरफ। और ये दूसरा बॉल बेहतरीन हिट किया स्टेट की तरफ और बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। नादिन तीसरे ओवर का मैच जारी, खेल जारी है, और बीट हुए, इजी मूड में है बैट्समैन और चौके और छक्के के चक्कर में है, और बाहर निकले, काफी बाहर निकलने की वजह से बाल को उठा दिया हवा में और बाल बाउंड्री लाइन के बाहर, इस वजह से बैट्समैन आउट करार पाया। यू 4 विकेट के नुकसान पर, कितना होगा स्कोर अभी? 14 स्कोर हुआ है, तीसरा ओवर जारी है, 4 विकेट जो है वो गिर चुके हैं जी। 18 स्कोर, तीसरे ओवर का खेल जारी है जी, और बाल सीधी बैट्समैन की टांगों पर, यूं खेल दिया है बैट्समैन ने बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का मजारा करते हुए फील्डर ने बाल को रोका। यूं 3 ओवर मुकम्मल, 18 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। और पहला बाल बैट्समैन बिल्कुल नहीं समझ पाए, आगे बढ़े थे, काफी देर के बाद, लेकिन वाइट का इशारा। और यूं दूसरी बॉल खेल दिया स्ट्रेट की तरफ और बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। काफी जोरदार हिट थी, फील्डर रोकने में नाकाम रहे। और अगला बॉल काफी बाहर था, और यूं पहले की तरह बाल बैट्समैन के बिल्कुल ऊपर से, जिसकी वजह से बाल वाइट करार पाया। और यह बेहतरीन बाल बीट करने में कामयाब हुए बॉलर। और बेहतरीन बाल विकेट में बाल थी, बैट्समैन की टांग से टकराते हुए बाल विकेट कीपर के हाथों में। बाल बॉलर हर बाल ऊपर उठा रहा है, जिसकी वजह से 2 बाल करार पाई।
हल्की स्पीड, बिल्कुल स्लो बॉल फेंकी थी बॉलर ने, लेकिन बैट्समैन जज नहीं कर पाए जिसकी वजह से बीट हुए और बोल्ड कर दिया बैट्समैन को। काफी घुमा के रखा है बैट्समैन को बॉलर ने, आखिरकार लास्ट बॉल पे बोल्ड करने में कामयाब हुए। 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं नाज़रीन। हमजा है बॉलर और हमजा ही बैट्समैन है जी। हमजा फेस करेगा हमजा को और ये पहला बॉल जो है वो हमजा बैट्समैन के जिस्म से टकराते हुए बॉल बॉलर के हाथों में, दूसरा बॉल और बॉल वाइड हुआ बैट्समैन के बैक साइड पे, काफी बाहर था बॉल। और यूं दूसरा बॉल भी काफी घुमाते हुए, और ये बॉल टच हुई पीछे की तरफ, ओ बाउंड कर दिया हमजा ने हमजा को। हमजा बिल्कुल नहीं समझ पाया इसकी बॉल को। 3 बॉलें आई हैं और 1-2 बॉलें उसकी वाइड हुई, 1 पीछे की तरफ खेलने में कामयाब हुए और अगली ही बॉल पे बोल्ड हो गए। यूं 5 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी है जी। और हमदा दूसरी विकेट लेने में कामयाब, दूसरे ही बॉल पे बोल्ड कर दिया और हमदा के लिए हैट्रिक चांस मौजूद है जी, हैट्रिक चांस है जी। लेकिन इंजमाम उलहक आए हैं आप पिच पे, अब देखा जाएगा क्या बनता है। और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बैट को बॉल के आगे रखते हुए उसको हल्का सा टच किया और बॉल रोकने में कामयाब हुए। यूं हमजा हैट्रिक नहीं कर पाए। और बैट्समैन ने खेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। यूं 5 ओवर मुकम्मल, 5 विकेट के नुकसान पर जी, 28 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर शुरू। और ये बैट्समैन अभी तक बाल को ही देखते रहे कि बाल किधर आ रहा है, यूं बाल उनके पास से गुजर गई। और खेल दिया बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाल हवा में जाते हुए, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट गंवा बैठे। यूं 6 विकेट के नुकसान पर 18 स्कोर 6ठे ओवर का खेल जारी है जी। क्रिकेट खेल रहे हैं और बिल्कुल स्लो बॉल किया बैट्समैन, और ये बड़े हल्के से टच करते हुए बाल को रोका और बाल बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर फील्ड करने में कामयाब। और यूं रोका ऑफ की तरफ खेला, फील्डर ने फील्ड किया बाल को। बैट्समैन बड़े मजाया मूड में खेलते हुए बाल बैक साइड पे, और यूं 6 ओवर मुकम्मल। चल शानी चल, बेहतरीन गेम का मुजाहरा करते हुए बाल बाउंड्री लाइन से 4 रन के लिए बाहर, हल्के से टच किया और नेक्स्ट बॉल सीधी विकेट में, और उस्मान ने आउट कर दिया इंजमाम उलहक को। और डेड बॉल करार दे दी गई जिसकी वजह से इंजमाम उलहक क्रीज पे, और नेक्स्ट बॉल खेल दी है बाउंड्री लाइन की तरफ और बेहतरीन फील्डिंग की वजह से 4 बाउंड्री लाइन के ऊपर से हवा में जाते हुए बॉल, और 7वीं विकेट गंवा बैठे।
यून जमाम लाख पिवलियन की तरफ अल्लाह जी शिकस्त तस्लीम करते हुए आल टीम ने अपने आप को आउट तसव्वुर करते हुए शिकस्त को तस्लीम किया। यूं मैच वन साइडेड रहा, 68 टारगेट था लेकिन 38 स्कोर बना सके हैं जी, और यूं उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया।